Assalamu alaikum, dear students. Hope all of you be fine. I welcome all of you to Abhisar Sociology classes. I know it very well. The examination of BG first semester is going to be held very soon. And inshallah, I hope within days we will complete these topics. In last lecture, we have discussed the social status, and at the same time, we discussed ascribed and achieved status, right? What does achieved and ascribed status mean? Today in this lecture we are going to discuss the other types of social status. So unme se jo pehla, that is multiple status or status set. Dekhiye ye do concepts hai, multiple status and status set. Theek, sabse pehle hum discuss karenge status set. Status set kise kehte hain? The term स्टेटस सेट एक्चुअली यहाँ पे इट इज टाइपिंग एरर. जो रोल सेट के बदले यहाँ पे स्टेटस सेट, ये टाइपिंग एरर है. रिमेंबर दिस थिंग. आपके मर्टन ने बिल्कुल स्टेटस सेट को डिफाइन किया है. इसने कहा कि सिंपली इट इज अ कंप्लीट सेट ऑफ स्टेटस ऑक्यूपाइड बाय सिंगल पर्सन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. इस चीज को हम स्टेटस सेट कहते हैं. जैसे मैंने एग्जांपल आपको दे दी, ठीक, यहाँ पे एक पर्सन जो है ना, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में उसके अलग अलग स्टेटस हो सकते हैं. डिफरेंट स्टेटस बिल्कुल हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपको, मैं अगर मैं अपनी एग्जांपल ले लूँ, मैं किसी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा हूँ तो वहाँ पे मैं बैंक प्रेसिडेंट हूँ. तो अगर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में देखा जाए तो मैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का एक चर्च मेंबर हूँ, या किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का एक फर्द हूँ, ठीक है. तो वहाँ पर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में मेरी जो हैसियत है, दैट इज एज ए मेंबर के तौर पर. इसी तरह से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को अगर देखा जाए तो मैं एक वोटर भी हूँ. इसी तरह से मैं एक जो फैमिली है ना, फैमिली में एक मेंबर हूँ, ठीक. मीन्स बहुत सारे स्टेटस जुड़े हुए हैं मुझसे, ठीक है, या मैं एक ऑक्यूपाई कर रहा हूँ अपनी सोसाइटी में बहुत सारे स्टेटस, ठीक. मगर एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ये जो गिवन पॉइंट ऑफ टाइम है ना, दिस मैटर्स अ लॉट. दिस मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल स्टेटस एंड स्टेटस सेट. इसका जो दूसरा पार्ट है, दैट इज मल्टीपल स्टेटस. मल्टीपल स्टेटस हम किसे कहते हैं? मीन्स एक इंसान से जो अलग अलग स्टेट से जुड़े हुए हैं, नॉट एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम. इस चीज को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल स्टेटस कह सकते हैं, राइट. नाउ वी हैव स्टेटस सीक्वेंस. स्टेटस सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं, एग्जांपल से मैं आपको समझा सकता हूं, राइट. देखिए, सीक्वेंस सिंपल, इट इज क्लियर डिफरेंट फ्रॉम इट इज नॉर्मल. सीक्वेंस मीन्स बिल्कुल इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है. सीक्वेंस में ये जो कंसेप्ट है स्टेटस सीक्वेंस का, ये आरके मट्टन ने दिया है. इस स्टेटस सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ लिंक्ड सोशल पोजीशन दैट ए गिवन इंडिविजुअल मूव थ्रू ओवर टाइम. फॉर इंस्टेंस, पहले एक इंसान इन्फेंट होता है, ठीक है, उसके बाद चाइल्ड, उसके बाद अडल्ट, उसके बाद डिफरेंट स्टेटस बिल्कुल ऑक्यूपाई कर लेता है इन सोसाइटी, ठीक है. एक पहले मेडिकल स्टूडेंट होता है, ठीक है, तो मेहनत कर लेता है, तो नीट क्वालिफाई करता है, नीट क्वालिफाई करने या एमबीबीएस क्वालिफाई करता है. एमबीबीएस क्वालिफाई करने के बाद बिल्कुल वो जो है ना डॉक्टर सिलेक्ट होता है, तो इसकी इंटर्नशिप लगती है, ठीक है. अब उसको क्या ट्रेनिंग करनी पड़ती है? जब ट्रेनिंग खत्म होगी तो उसका, अभी तक ये मेडिकल स्टूडेंट था, अब ये बिल्कुल क्या डॉक्टर है. अभी तक उसकी ट्रेनिंग चल रही है, अब इसके बाद फुल फ्लेज्ड डॉक्टर बन गया, ठीक है. अब डॉक्टर बनने के बाद बिल्कुल अब जो है ना सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर, बिल्कुल उसकी पोजिशन आ गई, ठीक है. तो इट मीन्स दैट ये जो पोजिशन चेंज हो रहे हैं ना फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज, या इसके साथ साथ उसका जो स्टेटस होता है चेंज होता जा रहा है. पहले मेडिकल स्टूडेंट, उसके बाद इंटर्नशिप कर रहा है, उसके बाद डॉक्टर बनता है, उसके बाद बिल्कुल सीएमओ बन रहा है, ठीक है. तो इसी तरह से एक स्टूडेंट होता है पहले, ठीक है, वो बिल्कुल जो है ना बीएड या कोई भी जो भी टीचिंग लाइन में पढ़ाने जा रहा है, ठीक है, तो वो टीचर बनता है. उसके बाद टीचर बनने के बाद वो प्रिंसिपल बन जाता है या हेडमास्टर बन जाता है. हेडमास्टर बनने के बाद बिल्कुल जो है ना चीफ एजुकेशनल ऑफिसर बन जाता है या ZDO बन जाता है, राइट. ZDO बन जाता है. मीन्स ये जो स्टूडेंट है ना, इसकी जो पोजीशन और स्टेटस चेंज होती रहती है ना, बिल्कुल इन अ सीक्वेंस, इन अ सीक्वेंस में ये जो बिल्कुल एक इंसान स्टेटस हासिल करता अपनी लाइफ में इन अ सीक्वेंस में, ठीक है. तो इस तरीके को हम क्या कहते हैं? इसको हम स्टेटस सीक्वेंस कहते हैं, राइट. इसके बाद स्टेटस इनकंसिस्टेंसी. स्टेटस इनकॉन्सिस्टेंसी, देखिए स्टेटस इनकॉन्सिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? इनकॉन्सिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? देखिए, एक इंसान लाइफ में अच्छी खासी
तालीम हासिल कर लेता है, ठीक है, अच्छी खासी एजुकेशन बिल्कुल को रिसीव करता है, ठीक, मगर अच्छी खासी एजुकेशन रिसीव करने के बाद भी उसको वो जॉब नहीं मिल रही है जिसमें वो सेटिस्फाई हो, ठीक है, इंस्टेड ऑफ दैट उसको वो जॉब मिल रही है जिसमें वो सेटिस्फाइड नहीं हो। अगर एक इंसान की लाइफ में या किसी पर्सन से ऐसा मामला होता है तो वो काम करता तो है इस पोजीशन पे जिस पे वो फाइज होता है, वो हमेशा छोड़ने के चक्कर में होता है कि अच्छी जॉब मुझे मिले तो मैं उसको छोड़ दूंगा, ठीक है, इस पोजीशन को, इस स्टेटस को जो एक इंसान एट दैट टाइम पोजेस कर रहा है, इसको हम स्टेटस इनकंसिस्टेंसी कहते हैं। वो स्टेटस या वो पोजीशन जिस पे एक इंसान फाइज है, जो उनको मिली है, मगर उसमें वो सेटिस्फाइड नहीं है, सेटिस्फेक्शन उसकी नहीं है, क्योंकि उसने एजुकेशन अच्छी खासी पीएचडी किया है और वो क्लर्क जॉब उसको मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है वो तो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इस स्टेटस इनकंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट है ना, ये दिया है किसने, जी लेंसकी ने, ठीक है, जी लेंसकी ने। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि ये एग्जाम में, ये एंट्रेंस एग्जाम में आता है। स्टेटस इनकंसिस्टेंसी इज गिवन बाय जी लेंसकी। किसे कहते हैं स्टेटस इनकंसिस्टेंसी? वो सिचुएशन जहां पे एक इंडिविजुअल हैज एन इनकंसिस्टेंट और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटस, उसको स्टेटस होती है मगर वो स्टेटस से सेटिस्फाई नहीं होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी होता है कि मैंने पीएचडी किया, मैं क्लर्क क्यों बनूं, मैं स्वीपर का काम क्यों करूं, ठीक है, तो वहां पे एक इंसान बंदा सेटिस्फाइड नहीं होता अपनी जॉब से, ऑलवेज इस चक्कर में रहता है कि मुझे अच्छी जॉब मिल जाए मैं इसको छोड़ दूं, ठीक है, डिल में हमारा रहता है कि मुझे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, सेटिस्फाइड नहीं होता है। इस कंडीशन को या ऐसे स्टेटस को हम स्टेटस इनकंसिस्टेंसी कहते हैं, जहां पे एक इंसान को उसके एजुकेशन अचीवमेंट के हिसाब से अपनी जॉब ना मिले, ठीक है, तो जो उसकी एजुकेशन अटेनमेंट है और उसको जो जॉब मिली है वो दोनों में तजाद है। तजाद कैसे? बंदा जो है ना एक्सपेक्ट अच्छा खासा जॉब कर रहा है, लो ग्रेड जॉब में इसको मिल रही है जहां पे सैलरी भी कम है, जहां पे स्टेटस भी कम है, तो इसीलिए वो हमेशा इस चक्कर में, छोड़ने के चक्कर में रहता है कि मुझे कोई और जॉब अच्छी मिल जाए तो मैं इसको छोड़ दूंगा, ठीक है। इस कंडीशन को जहां पे एक इंसान क्या इनकंसिस्टेंट फील करे, कॉन्ट्राडिक्टरी होगा उसका जो एजुकेशन अटेनमेंट और जो उसको जॉब मिल रही है, लाइक हायर एजुकेशन अचीवमेंट, एक इंसान ने हायर एजुकेशन अचीव किया है, ठीक है, उसको वो जॉब मिली है जहां पे उसको तनख्वाह कम मिलता है, ऐसे कंडीशन में एक इंसान कहां सेटिस्फाई होता है। जब एक इंसान इस पोजीशन में हो या इस कंडीशन में हो, ठीक है, तो जहां पे एक इंसान अपनी स्टेटस से खुश नहीं है, अपनी स्टेटस से सेटिस्फाइड नहीं है, तो इस कंडीशन को हम या ऐसी स्टेटस को हम स्टेटस इनकंसिस्टेंसी कहते हैं, जहां पे एक इंसान को किसके बावजूद, अच्छी खासी तालीम हासिल करने के बावजूद लो ग्रेड जॉब्स मिल रहे हैं, या जहां वो जॉब्स मिल रहे हैं जहां पे पेमेंट कम है, जहां पर सैलरी कम है, तो वहां पे बंदा सेटिस्फाइड नहीं होता है, ठीक। इनकंसिस्टेंसी में क्या होता है, जब एक बंदा सेटिस्फाइड नहीं होता अपनी लाइफ से या अपनी स्टेटस से, तो वो हमेशा कोशिश करता है टू कम आउट फ्रॉम द सिचुएशन, जो इनकंसिस्टेंट स्टेटस है ना, जो उसको सूट नहीं हो रही है, इससे वो निकलना चाहता है हमेशा, ट्राइज टू कम आउट, बिल्कुल इससे हमेशा वो क्या इसी जुदोजहद में लगा हुआ होता है कि मैं यहां से कब निकलूं, इस जॉब को कब छोड़ूं मैं अच्छी जॉब मिलने के बाद, ठीक है। तो वो क्या कहता है, वो इनकंसिस्टेंट स्टेटस को छोड़ने के चक्कर में रहता है, इन ऑर्डर टू गेट कंसिस्टेंट स्टेटस, वो स्टेटस जहां पे वो सेटिस्फाइड हो, वो पोजीशन जहां पे वो बिल्कुल उसके हिसाब से बिल्कुल जो है ना सैलरी मिल रही हो, ठीक है। अब एक इंसान इसी चक्कर में रहता है ना कि मुझे अच्छी जॉब कब मिले तो मैं इसको छोड़ दूं। अब एक इंसान अभी तक जिसकी स्टेटस क्या थी, इनकंसिस्टेंट थी, जहां पे वो सेटिस्फाइड नहीं था, जो उसके हिसाब से, इसके क्रेडेंशियल्स के हिसाब से नहीं मिल रही थी, सूट नहीं हो रही थी, अब उसकी जॉब लग रही है अच्छी खासी जहां पे वो सेटिस्फाइड हो, जहां पे वो अच्छी खासी उसको सैलरी मिल रही है, जहां पे वो बिल्कुल क्या अच्छी तरह से काम कर रहा है क्योंकि वो सेटिस्फाइड है। इस प्रोसेस को, इस तरीके को, जहां पे उसको कंसिस्टेंट स्टेटस मिल जाए, लेंस की उसी को स्टेटस क्रिस्टलाइजेशन कहता है। इसके बाद वी हैव पोलर स्टेटस। देखिए पोलर स्टेटस का मतलब क्या होता है, बाइनरी, या वो स्टेटसेस जो हम समझ सकते हैं मगर कैसे, पेयर्स में,
फॉर एग्जाम्पल मेल को आप कैसे समझ सकते हो अगर फीमेल ना हो, राइट ठीक है। तो इसी तरह से ब्लैक को आप कैसे समझ सकते हो अगर व्हाइट ना हो, ठीक है। फादर को आप कैसे समझ सकते हो अगर मदर ना हो। हस्बैंड को आप कैसे समझ सकते हो अगर वाइफ ना हो। ब्रदर को आप कैसे समझ सकते हो अगर सिस्टर ना हो, ठीक है। मीन्स ये वो स्टेटसेस हैं, वो पोजीशंस हैं समाज में जिनको हम समझ सकते हैं मगर कैसे पियोस में, एक दूसरे को कंपैरिजन करके, एक दूसरे को बिल्कुल आमने सामने रख के। देखिए ऐसे स्टैट्स जिनको हम पियर्स में समझेंगे, जो हमें पियर्स में समझ आएंगे, ठीक है। क्यों कैसे, जब हम उनको रिलेट करेंगे एक दूसरे के साथ, ऐसे स्टैट्स को हम पोलर स्टैट्स कहते हैं। फॉर इंस्टेंस हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड को कैसे समझ सकते, ठीक है। जब वाइफ होगी तो हमें हस्बैंड का पता चलेगा। इसी तरह से जो ना टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर उसको कहते हैं जो पढ़ाता हो, किसको, स्टूडेंट्स को। जब स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो टीचर को टीचर कैसे कह सकते हैं, टीचर किसको कहेंगे हम, ठीक है। इसी तरीके से टीचर तब बनता है टीचर जब हम उसको रिलेट करेंगे किसके साथ, स्टूडेंट के साथ। इसी तरह से डॉक्टर एंड पेशेंट, एक इंसान को डॉक्टर तब बताया जाता है जब वो ट्रीट करेगा किनको, पेशेंट। जब एक इंसान के पेश, अगर एक इंसान को आएगा भी ट्रीट करना मगर पेशेंट नहीं है तो उसको डॉक्टर कौन कहेगा, उसको तमाम स्ट्रेटजीज पता है मगर पेशेंट नहीं है तो उसको डॉक्टर का लगभग कौन देगा, ठीक है। इट मीन्स दैट कुछ स्ट्रेटजीज हमारे समाज में ऐसे हैं जिनको हम समझ सकते हैं मगर इन पियर्स, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे टीचर स्टूडेंट हो, चाहे डॉक्टर पेशेंट हो, एटसेट्रा, इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते। तो ऐसे स्टेटसिस को हम पोलर स्टेटस कहते हैं, राइट। आई होप ये चीजें आपने अंडरस्टैंड की होगी। थैंकिंग यू सो मच।